सभी को मेरा नमस्कार। बहुत समय बाद फिर से आपका उरी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिस्ट्री इतिहास को लेकर पहला लेक्चर बनाने जा रहे हैं। इस इतिहास के पहले लेक्चर में आपको उन सारी चीजों से परिचित कराया जाएगा जो सामान्यतः एक इतिहास के शिक्षक को इतिहास स्टार्ट करने से पहले बताना चाहिए। इतिहास को स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले, मैं आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। हमने डिसाइड किया है कि आगामी 25 अक्टूबर से एक भारतीय इतिहास का नया बैच प्रारंभ किया जाए। ऑनलाइन माध्यम से आपको केवल यह बैच ₹1000 में पीडीएफ के साथ अवेलेबल कराया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इतिहास एक रोमांचक यात्रा। इसी टॉपिक से हम पूरा भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें इन चार बिंदुओं पर चर्चा करना है। इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री, इसे कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इसकी एग्जैक्टली इतिहास के नजरों में क्या परिभाषा होनी चाहिए, यह मैं आपको बताऊंगा। दूसरा बिंदु, हम इतिहास का अध्ययन आखिर क्यों करते हैं, क्यों हमारे सिलेबस में इतिहास को डाला जाता है, क्यों स्कूली शिक्षा में इतिहास को रखा जाता है, इस पर हम दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम आपको इतिहास के कोर फीचर्स, इतिहास के विशेषता के बारे में बताएंगे। और चौथी चीज हम देखेंगे इतिहास को अध्ययन के हिसाब से, पढ़ने के लहजे से कैसे बांटा जा सकता है। ओके, सबसे पहला बिंदु, इतिहास क्या है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इतिहास जो है मूलतः चार वर्णों से मिलकर बना हुआ है। यदि इस इतिहास को हम देखें तो इसे तीन भागों में तोड़ा जा सकता है। फर्स्ट वर्ण इति, सेकेंड ह और तीसरा आस। इन तीन अलग अलग शब्दों से मिलकर इतिहास बना हुआ है। ये शब्द के मायने देखिए, ये ऐसा अर्थ देता है, ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। अर्थात हम जब शब्द के फेर को देखेंगे तो इतिहास उन घटनाओं को बताता है, उन घटनाओं को आपको परिचित कराता है जो निश्चित रूप से हुआ था। देखा, इतिहास शब्द से आशय अतीत की वो घटनाएं जो हमारे पिछले दिनों में घटित हुई थी, उन्हें सामान्यतः इतिहास कह दिया जाता है। परंतु जब बात आती है इतिहास की परिभाषा की, तो कई इतिहासकारों ने अपने लहजों में, अपने तथ्यों के हिसाब से इतिहास को कई रूपों में परिभाषित किया है। परंतु मैं आपको इतिहास की दो परिभाषा बताऊंगा। पहली परिभाषा आप ध्यान से सुनेंगे, इतिहास उन बातों को आपको अवगत कराता है जो साक्ष्यों के आधार पर काल क्रमानुसार, इन द बेसिस ऑफ एविडेंस, साक्ष्यों के आधार पर काल क्रमानुसार लिखी गई हैं, रची गई हैं, उन्हीं बातों को इतिहास या हिस्ट्री कहा जाता है। मैं इसे दूसरे तरीके से परिभाषित करना चाहूं तो सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें अतीत के लम्हों में खोए हुए उन पन्नों, उन व्यक्तियों और उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो हमें तिथिवार प्राप्त होता है। आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना ही होगा। उन्होंने यह कहा है कि इतिहास उन बातों की गाथा है जो हमारे आने से पहले बीत चुकी है। तो क्या सिर्फ इतिहास बीती बातों का अध्ययन है? यह कोई भी पुरानी घटना को इतिहास कहा जाता है।
क्या एक इतिहास सिर्फ कल्पना है? इतिहास केवल एक कल्पना मात्र नहीं है और ना ही बीती बातों का अध्ययन है। इतिहास ही ऐसा विषय है जो हमें जीवन जीने की कला को बताता है। इतिहास को आप चाहे तो यह कह सकते हैं कि यह अतीत और वर्तमान के बीच एक वार्तालाप या संवाद है। इतिहास को जैसा आप देखेंगे वैसा ही पाएंगे। इतिहास सही नजरों से देखा जाए तो आज या वर्तमान का अतीत है। आप इमेजिन कीजिए, आज हमारे पास वो सारी सुविधाएं मौजूद है, सामने में मौजूद है जो हमें चाहिए। आप कल्पना करिए कि वो जमाना कैसा रहा होगा, ना तो जहां पर बिजली था और न ही आग था, न ही खेती बाड़ी का आविष्कार हुआ था और न ही कोई पहिए जैसे कोई चीज थी, न उस समय मोटर गाड़ी था, न ही कोई कार था, न ही कोई बाइक था। उस जमाने के लोग कैसे सरवाइव किए, इन सारी चीजों को सिरे से बताने वाला विषय ही हमारा इतिहास है। अभी आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि लोग कैसे लंबी लंबी यात्रा करके अपने बच्चों के साथ कभी साइकिल में कभी पैदल यात्रा कर लेते थे। आज हमारे पास मेट्रो है, आज हमारे पास बस है, आज हमारे पास ट्रेन है, आज हमारे पास हवाई जहाज है। कैसे वेनसॉन्ग वहां से भारत आया 639 के आसपास। इन्हीं सारी तानों बानों के बीच में हमें इतिहास केवल बीती बातों को नहीं बताता, बल्कि वो बताता है कि ऐसे समय में उन्होंने कैसे अपने आप को ढाला और ढाल कर आज चांद तक पहुंचाने के लिए हमें एक रास्ता प्रदान किया। तो क्या इतिहास एक कल्पना है? इतिहास केवल और केवल बीती बातों का अध्ययन न हो करके हमारे वर्तमान का अतीत है। इतिहास ही हमें यह बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई। हम अपने निजी और सामाजिक जिंदगी में इसके जद्दोजहद में यह भूलते जा रहे हैं कि आज की दुनिया ठीक वैसी नहीं थी जो जैसे हमें नजर आती है, जैसे हमें फील होती है। इतिहास ही वह हवा है जो हमारा रुख उस ओर, उस जमाने की ओर लेकर जाता है। प्रत्यक्ष ना सही अप्रत्यक्ष रूप से हमें उस जमाने में लेकर इतिहास ही खड़ा कर देता है। आज हम 5G की बात करते हैं, आज हम मंगल में जाने की बात करते हैं, आज हम चांद में ऑर्बिटर मिशन की बात करते हैं, आज हम सारी वो चीजों की कल्पना करते हैं जिसे कभी ना सोचा जा सकता था, ना कभी किसी ने सोचा था। आज वही चीज जो कल गुजरी थी हमें उन चीजों का सीख देती है। जैसे आप हर बार PSC देते हैं, कभी आपका प्रिंट निकला तो आप तैयारी करना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि आप यह सोचते हैं लास्ट पेपर में जो मैंने गलतियां किया है उस गलती को सुधारते हुए मैं इस बार अच्छा प्रदर्शन करूंगा। यही तो इतिहास है बॉस, कि आपने अपने पिछली गलती, पिछले गुजरे हुए पल को सोचा और उस पल को सोचते हुए आज आप अपने वर्तमान को अच्छा बनाने चाहते हैं। यही इतिहास। इतिहास हमें उन जमाने के लोगों का रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, खान पान, अर्थ धर्म काम मोक्ष, सारी चीजों का एक विस्तृत व्याख्या प्रदान करता है। आप भले ही आज अपने कंधे झटक कर बोल सकते हैं कि हम बेवजह उन बीती बातों को क्यों पढ़ें जो आज है ही नहीं, उन लोगों के बारे में क्यों सोचें जो आज दिखते नहीं। बेशक आप कह सकते हैं
परंतु इतिहास केवल बीती बातों का अध्ययन नहीं बल्कि वर्तमान की गाथा है, जिसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। उन्हीं बातों की, उन्हीं दास्ताओं की कथा सुनाता है हमारा इतिहास। आज जिस दुनिया में आप हैं वो किसी जीन का चमत्कार नहीं है, अमेज़न से डिलीवर किया हुआ नहीं है, इसे बनाया गया है, इसे बुना गया है हमसे और हमारे पूर्वजों से आए पहले लोगों ने इसे बनाया है। तब आज हम चांद में जाने की बात करते हैं, तब हम 5G की कल्पना करते हैं। इन सारी चीजों को इतिहास ही क्या करता है, हमें बताता है। इतिहास केवल बीती बातों का अध्ययन नहीं, बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूं, इतिहास केवल बीती बातों का अध्ययन नहीं है बल्कि हमारे वर्तमान से लगा हुआ, जुड़ा हुआ एक पड़ोसी है, जिसके सहारे हम सारी चीजों को अच्छा बना सकते हैं। आपने देखा होगा जब भी हम धनुष की डोरी को जितना पीछे खींचते हैं तीर उतना ही आगे जाता है, शेर आगे बढ़ने के लिए एक कदम अपना पीछे खींचता है, क्योंकि उसे पता है यदि हम एक कदम पीछे जाकर देखें तो हमारा भविष्य या हमारा वर्तमान जो है हमसे कई गुना आगे बढ़ जाएगा। आप खुद सोचिए, कई बार ऐसी गलती हुआ होगा जिसे आप सोच करके आने वाले समय को सुधारे होंगे, है ना। इतिहास एक शुरुआत है, दूसरे लोगों के क्रियाकलाप, दूसरे लोगों के जिंदगी को पढ़ने का। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इतिहास हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम अपने सभ्यता और संस्कृति को जानें और जानकर हमारे आने वाले पीढ़ी को विरासत के रूप में सौंप सकें। इतिहास केवल अतीत का अध्ययन नहीं है, इतिहास में ही हमारा वर्तमान और भविष्य छुपा हुआ है। इतिहास पढ़कर ही हम समझ पाते हैं कि मानव समाज कैसे बदला, कैसे आधुनिकता की ओर वो बढ़ता गया। उन्हीं उनके जमाने में जो समस्याएं उभरी, उन समस्याओं से जूझने की उनकी कोशिशें, उनकी खोजें, उनके आविष्कार आज इस चमचमाती दुनिया के प्रबल साक्षी हैं। आज हम इतिहास केवल और केवल अपने वर्तमान और भविष्य के सुधारने के लिए नहीं पढ़ते। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे अपने जमाने में रहे, कैसे उन्होंने इस दुनिया को बनाया, कैसे उनकी कोशिशें कामयाब हुई, कैसे लोग यहां तक पहुंचे। इन्हीं सारी चीजों की व्यथा को हमारा इतिहास ही सुनाता है। आज आप जो है मेरे इस इतिहास की क्लास में केवल राजा रानी के कहानियां नहीं सुनेंगे, मैं आपको राजा रानी के कहानी भी बताऊंगा, उनके जमाने की सामाजिक और आर्थिक दशा भी बताऊंगा, उनके राजनीतिक हलचल को देखेंगे, उनके आर्थिक पहलू को देखेंगे, उनकी धार्मिक दशा को भी देखेंगे। इन्हीं यूं कहें तो इतिहास एक प्रगति की प्रक्रिया है जिसे लिखी जाती है, जिसे पढ़ी जाती है और आने वाले पीढ़ियों के लिए संजो कर रखी जाती है। देखते हैं जो इतने समय तक हम हिस्ट्री इतिहास के बारे में बोल रहे थे, आखिर उसे सबसे पहली बार प्रेजेंट किसने किया, किसे हम फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में जानते हैं, किसे इतिहास के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक, तो बात करें जब इतिहास के जनक के, तो इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो है यूनान के रहने वाले एक इतिहासकार हैं जिन्हें इतिहास के जनक या फादर ऑफ हिस्ट्री के रूप में याद किया जाता है। तो ये जो हेरोडोटस हैं, इन्होंने हिस्ट्री को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया, साथ ही साथ बीती घटनाओं के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। और हेरोडोटस मूलतः यूनान के रहने वाले एक इतिहासकार हैं। ठीक, इनकी पुस्तक की बात करें हम तो इनके पुस्तक का नाम
द हिस्ट्रीज या फिर द हिस्टोरिका है। इनकी बुक का नाम द हिस्ट्रीज या फिर द हिस्टोरिका। जैसा कि आपको पता है, इतिहास कोई बीती हुई घटना से संबंधित होता है या उस घटना संबंधित बातों का ब्यौरा होता है, ठीक। तो इतिहास के घटना से संबंधित प्रमुख चार अंग बताए गए हैं, चार घटक बताए हैं, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास के अंग या घटक कहा जाता है। यदि कोई घटना है तो कभी ना कभी घटी होगी, यानी कि कब घटी होगी, ये आपका प्रमुख घटक। यदि वो घटना घटी है जिस अमुक तिथि को घटी है, तो कहीं ना कहीं घटी होगी, कोई प्लेस होगा तो कहां घटी है, ये दूसरा घटक, ठीक। और तीसरा हमें जानना है, मतलब तीसरा घटक ये बताता है कि अमुक घटना क्या थी, और चौथी इस घटना से संबंधित कौन था। ये प्रमुख चार जो शब्द है, कब यानी कि वेन, कहां वेयर यानी कि स्थान, क्या यानी कि व्हाट कौन सी घटना, और चौथा उस घटना से संबंधित कौन व्यक्ति संबंधित है, कौन संबंध रखता है। आइए अब देखते हैं इतिहास का विभाजन, आखिर हिस्ट्री को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। ध्यान में रखना है कि जो विभाजन हम आपको बता रहे हैं वो स्रोतों के आधार पर है, इन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। हम स्रोतों के आधार पर इतिहास को तीन प्रकार से बांट सकते हैं, ओके। एक्चुअल में इतिहास जो है, जो हमें सोर्स प्राप्त हुए हैं, जो एविडेंस प्राप्त हुए हैं, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर इतिहासकारों ने इसे तीन प्रकार से बांटना उचित समझा, ठीक। इतिहास का पहला कालखंड उन्होंने जो बांटा वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिकल एज। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज, ये पहला कालखंड है। इतिहास का दूसरा कालखंड, हिंदी में इसे आद्य ऐतिहासिक काल, पहले देख लेते हैं फिर आपको बताता हूं ये होता क्या है। सेकेंड इज कॉल्ड प्रोटो हिस्टोरिकल एज, आद्य ऐतिहासिक काल। और इतिहास का तीसरा विभाजन कहलाता है ऐतिहासिक काल, या फिर इसे हम हिस्टोरिकल एज कहते हैं, ओके। ये इतिहास के तीन लम्हे हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्री हिस्टोरिकल एज, नाउ सेकेंड इज प्रोटो हिस्टोरिकल एज, एंड थर्ड वन इज हिस्टोरिकल एज। देखिए ये जो प्रागैतिहासिक काल है, हमने कहा आपको स्रोतों के आधार पर, तो स्रोत जो है मूलतः दो है, एक आपका रिटन एविडेंस और दूसरा आपका पुरातात्विक साक्ष्य या फिर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये दोनों के आधार पर ही इतिहास जो है लिखा गया है और लिखा जाता है। इतिहास का ऐसा कालखंड जिसमें वन एंड ओनली, केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद है, अर्थात इस समय में लिखने और पढ़ने की कला का आविष्कार नहीं हुआ था, दैट्स वाई इन दिस पीरियड लैक ऑफ रिटन एविडेंस, लिखित साक्ष्य का अभाव होता है, ओके। जैसे कि आपका एग्जाम्पल में देखें तो पाषाण काल, आदिमानव का काल, स्टोन एज, ये इसमें आते हैं, किसमें, प्रागैतिहासिक काल में। बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो इसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो रहेगा ही, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की मौजूदगी देखने को मिलती है, पुरातात्विक साक्ष्य है, साथ ही साथ लिखित साक्ष्य भी है, रिटन एविडेंस इज आल्सो फाइन, ठीक है। लिखित साक्ष्य जो रिटन एविडेंस है वो प्राप्त है, परंतु अभी तक उनके जो लिखने की कला थी उसे हम अभी तक ज्ञात नहीं कर पाए हैं कैसे लिखा गया है। द मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल ऑफ ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस एंड वैली सिविलाइजेशन है।
इसमें लिखित साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और तीसरा कालखंड यानी कि इतिहास का ऐसा लम्हा, ऐसा कालखंड, ऐसा समय जिसमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मौजूद हो और साथ ही साथ रिटन एविडेंस मौजूद हो, और इन दोनों के आधार पर जो इतिहास लिखा गया है, इतिहास के उस पाठ को हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे भारतीय इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात से लेकर के 1947 तक का इतिहास आपका क्या कहलाता है? ऐतिहासिक काल कहलाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। कोशिश करें आप 25 अक्टूबर को जो हम पढ़ने वाले हैं, इतिहास की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, उसे आप 5 दिन का डेमो क्लास अवश्य लें। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करने से मिल सकती है, 9174668888। इसमें आप बाई कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से इतिहास क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा, यह लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये इतिहास क्लास की जानकारी आपसे परम अनुग्रह है कि आप अपने ग्रुप सर्कल में दे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।